डहेलिया की पत्तियों के ऊपर, मैरीगोल्ड के पत्तियों के ऊपर, टमाटर की, टोमेटो लीव्स के ऊपर आपने कई बार वाइट वाइट कलर की धारियां देखी होंगी। तो आज मैं आपसे इन्हीं धारियों के बारे में बात करने वाली हूँ। इसको बोलते हैं, ये होती है लीफ माइनर इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं वो आपको मैं बताऊंगी, और इसको हम किस तरीके से दूर कर सकें ये भी मैं बताऊंगी। तो ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, क्लोज करके बिल्कुल दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो है, ये मैंने, ये डहेलिया का प्लांट है। आप ये देखिए, यहाँ से ये सब इस तरीके से है, ये थोड़ा सा, ये देखिए। तो ये क्या करते हैं, अगर हम इनको रिमूव नहीं करते हैं, इनका इलाज हम नहीं करते हैं, तो ये पूरे प्लांट में इसी तरीके से फैल जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये होती है कि ये दिखाई नहीं देते हैं। जैसे क्या होता है कि मिली बग होते हैं, वो वाइट वाइट होते हैं, वो हमको दिख जाते हैं, या फिर एफिड्स होते हैं, ब्लैक एफिड्स होते हैं, ये सारे हमको दिख जाते हैं। लेकिन जो ये लीफ माइनर होता है, ये हमको ऐसे ऐसे सामने से नहीं दिखेगा। लेकिन ये है कि जो ये धारियाँ होती हैं ना, इस तरीके की धारियों से हमको समझ में आ जाता है कि ये, और इनमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से बढ़ते हैं, और पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद निशान, ये आगे की ओर बढ़ते हैं, अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनको खाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, और पीछे की ओर जो बैक साइड में, वो अपनी लाइन को इस तरीके से छोड़ते चले जाते हैं, जैसे कि, और आगे से बढ़ते 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 वो इस तरफ जैसे आ गए। तो फिर क्या होता है कि वो, अगर इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको कि आपको इसी पे, इस पत्ती को नहीं छोड़ना। जैसे कि मैं, आप ये देखिए, ये डहेलिया है, ये देखिए छोटी नीचे वाली लीव्स में है। हमें अपने प्लांट को वॉच करना होता है। ये देखिए, दो दो पत्तियां मैंने इस तरीके से ये निकाली हैं, और बहुत ध्यान देना होता है। ये देखिए, अगर हम इसको रिमूव नहीं करते हैं, रिमूव नहीं करेंगे तो ये और बढ़ता चला जाएगा। और एक काम और करना होता है कि जैसे यहाँ से रिमूव तो कर दिया, अब चूंकि ये, इसको फिर इस गमले को भी दूर थोड़ा रखना होगा। जैसे अब इन सब प्लांट्स, इन प्लांट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, सब सही है, एकदम हेल्दी है। हेल्दी आपको देखिए, ये एकदम ऊपर से हेल्दी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन डहेलिया में हो गया, और आपने ये जैसे गेंदा है, तो गेंदा में भी आपने देखा होगा हमेशा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी धारियाँ हो जाती हैं, फिर पूरा का पूरा प्लांट एकदम से ख़त्म होता चला जाता है। तो इसको, प्लांट को आपने, मतलब पॉट को भी थोड़ा सा अलग करके रखना होगा, ठीक है। इसको हम अलग करके रख देंगे, पत्तियों को बिल्कुल यहाँ से हटा देंगे, इस मतलब यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, दूर एकदम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर इतना करने के बाद अब हमको क्या करना होगा, नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए आप, नहीं तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो है मैंने बता रखे हैं आपको, कुछ नहीं मिले, नीम की पत्तियां आपको मिले, उसका भी मैंने बनाया हुआ है। नीम की पत्तियों को उबाल करके और उसके पानी से थोड़ा सा क्या करिए, जैसे नीम की पत्तियां उबाल लीजिए, मैं अच्छा उसका लिंक देखूंगी तो उसको शेयर कर दूंगी। तो उसमें उबाल करके उस पानी में इतना सा ऑयल डाल लीजिए, कोई भी खाने वाला ऑयल डाल लीजिए, जिससे क्या होगा ना, वो चिपके रहेंगे, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, तो वो फिर स्टिकी उसमें थोड़ा सा हो जाएगा। तो उतना करके आप स्प्रे ज़रूर करिए, तो अपना रेगुलर कर दीजिए। जब जैसे मुझे आज दिखा, तो मैं आज भी स्प्रे करूँगी, कल भी करूँगी, इस तरीके से करके खूब अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। और ये देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, लीफ माइनर जो होते हैं ना, जो छोटे प्लांट होते हैं, छोटे जब मतलब अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब तो उतना नहीं होता। जो सैपलिंग्स होते हैं उन्हीं में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने ये देखिए, अभी 2-3 दिन पहले ही इस डहेलिया पे लगाया है, तो मैं बराबर इसको वॉच करूँगी, फिर आगे जाके कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मुझे लगा कि मैं आज आपको ये बता दूं, जिससे आप लोगों को भी इसका उपाय समय रहते कर सकें। और ये सब सारी जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो ये कि जब क्लाउडी वेदर होता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत दिन से बहुत ठंड पड़ी है, अभी कल धूप ठीक से निकली थी, फिर से वैसे ही है। ये देख रहे ना, ये बंद है फ्लावर्स, क्योंकि अभी धूप नहीं निकली, क्योंकि गजानिया जो होता है वो धूप में, सनलाइट में अच्छा ब्लूम करता है। तो जब थोड़ा सा बादल बादल रहते हैं, एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है, तभी इस तरीके के ये जो है इंसेक्ट्स जो है वो फैलते हैं। तो बस मैंने आपको ये आज उपाय बता दिया है, और आप बिल्कुल ध्यान, जब शुरू से देखेंगे ना, तो ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
पूरा का पूरा 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 फैल जाएगा, तो फिर ट्रीटमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा ज़्यादा उससे। अब बस कुछ नहीं है, दो पत्तियाँ थी, दो पत्तियाँ हटा दी, दो तीन पत्तियाँ वापस अपना दो तीन दिन रेगुलर करके स्प्रे कर देंगे, बात खत्म। कुछ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लांट अपना गार्डन बिल्कुल हरा भरा हेल्दी 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 रहेगा। अब जैसे ये है देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्यों कर रहे हैं, तो इसमें इसलिए कर रहे हैं कि भैया इसमें भी देखो बहुत सारे, इसमें तो मिली बगी हो जाते हैं, जरा जमीन नमी नमी होती है। देखिए मैं धूप की बात कर रही थी, बात करते ही करते ही हल्की हल्की से हमारे यहाँ धूप आ ही गई। चलिए तो इसमें मिली बग हो जाते हैं, इसमें भी कर देना चाहिए। और चलिए अब आपसे मैं मिलती हूँ किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत बुरा लगे कम वीडियो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।